गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से किया जा सकता है, कहाँ कैसे मैग्नेट लगाने हैं, कहाँ पीला मैग्नेट कहाँ सफ़ेद मैग्नेट लगेगा, उसका उपचार आपको इस सीडी के माध्यम से बताया जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे और गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज करेंगे, देखेंगे इस प्रक्रिया को पूरी की पूरी। देखिए, आपको दोनों इंडेक्स फिंगर का जो सबसे ऊपर वाला जोड़ कहा जाता है, डिस्टेंस पे जो है आपकी हथेली से, इस जोड़ को एक्टिवेट करेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। दूसरे हाथ पर आते हैं तो इसकी इंडेक्स फिंगर के भी जो सबसे ऊपर वाला जोड़ है इसको एक्टिवेट करेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। एक्टिवेट करने के बाद इस पे कैसे मैग्नेट लगाने हैं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब मैग्नेट बनाएंगे तो सेंटर में येलो मैग्नेट, एक एक साइड में येलो और दूसरी साइड में वाइट, इस तरह से तीन मैग्नेट बनाने हैं। एक सेंटर में थोड़ा सा गैप, एक साइड येलो एक साइड वाइट, ये तीन मैग्नेट जब आप इंडेक्स फिंगर पर लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे जहाँ मिडिल फिंगर आती है, देखें सेंटर में और इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर की तरफ में वाइट और थंब वाली साइड में येलो, इस तरह से तीन मैग्नेट फ्रंट में ही लगेंगे, एक सेंटर में वाइट, मिडिल फिंगर के कॉर्नर में वाइट और थंब वाली साइड के कॉर्नर में येलो। इसी तरह से आपको तीन मैग्नेट फिर से बनाने हैं। अब इसमें जब आप मैग्नेट बनाएंगे तो दो व्हाइट और एक येलो बनेगा, इसको आपको उसी इंडेक्स फिंगर की बैक साइड में लगाना है। जब बैक साइड में लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि सेंटर में येलो, अंगूठे की साइड येलो और मिडिल फिंगर की साइड वाइट, ये छह बिंदु लगेंगे राइट इंडेक्स फिंगर पर। देखें, येलो येलो वाइट, फ्रंट में आएंगे तो वाइट वाइट येलो, सेम प्रक्रिया को हमने रिपीट करना है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में। देखें, दो हमें पट्टियाँ बनानी हैं, येलो येलो वाइट, वाइट वाइट येलो। फिर जब हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर इसे लगाएंगे तो अंगूठे वाली साइड पर येलो आएगा, ये ध्यान रखेंगे कि सेंटर में वाइट है, मिडिल फिंगर के कॉर्नर में वाइट है और थंब वाली साइड में येलो है। जब हम इसकी बैक साइड में आएंगे तो उसी तरह जैसा हमने राइट हैंड में किया था, सेंटर में येलो, अंगूठे वाली साइड में येलो और मिडिल फिंगर वाली साइड में वाइट, लेकिन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में इलाज अभी और होगा, उसमें पांच मैग्नेट और लगने हैं। उसके लिए आपको पांच छोटी टेप काटनी होंगी इस तरह, उसमें से एक दो, दो पर वाइट, सॉरी दो पर येलो और तीन पर वाइट मैग्नेट लगाएंगे इस तरह से। अब कैसे इसे अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर कर उसको देखेंगे बहुत अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड में बैक साइड पे आएंगे हम, और जो ये कॉर्नर है थंब वाली साइड का, वहाँ उस कॉर्नर में एक वाइट मैग्नेट लगाएंगे। उसके बाद इस जोड़ और इस जोड़ के बीच में देखें, एक येलो मैग्नेट यहाँ और एक उसके डायगोनल लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स फिंगर की फ्रंट साइड में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एक वाइट मैग्नेट लगाना होगा, जो इसकी सीध में नहीं होगा, इससे थोड़ा सा इस तरफ को होगा अंगूठे वाली साइड, और एक येलो मैग्नेट आएगा यहाँ कॉर्नर में। देखिए, समझेंगे, यहाँ एक वाइट मैग्नेट, यहाँ कॉर्नर में एक येलो मैग्नेट, बैक साइड आएंगे तो यहाँ कॉर्नर में वाइट, इधर सेंटर में दो येलो, एक सेंटर में था एक थोड़ा सा उससे डायगोनल।
ये जो उपचार आपको बताया गया है, ये गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव करने का ट्रीटमेंट आपको बताया गया है। इस प्रक्रिया को आपको तब तक करना है जब तक आपकी अल्ट्रासाउंड या स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए। किसी भी तरह का एक्सेसिव पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो अपने आसपास या हमारे जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आप संपर्क करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर्स की सलाह पर उसकी सर्जरी करवाई जा सकती है। ये ट्रीटमेंट उस साइलेंट टाइम पर करने के लिए जब आपने अल्ट्रासाउंड या स्कैन कराया जिसमें आपको पता चल गया कि आपके गॉल ब्लैडर में 4 mm, 10 mm, 14 mm का स्टोन है, लेकिन आप ना अभी सर्जरी करा रहे हैं, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं उसके और बढ़ने का, अपनी तकलीफ के बढ़ने का, उस जीबी स्टोन की पेन के होने का। तो वो साइलेंट टाइम में अगर आप ये उपचार करते जाएंगे जो आपको भी बताया है, तो ईश्वर की कृपा से गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा। धन्यवाद।